You are now unmuted. हेलो आलोक। हाँ सर, कैसे हो आप? सर बढ़िया। चलो दैट्स वेरी गुड। ओके ओके एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? ओके एक बार अपडेट करो क्वेश्चन, फिर हम इसको ट्राई करते हैं। यू आर नाउ म्यूटेड। आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? क्वेश्चन एक्चुअली पूछना क्या चाहता है? क्या लोग आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो या मैं एक्सप्लेन करूं आपको? आलोक आपको मेरी आवाज आ रही है? सर माइक तो ऑन कीजिए। ओके सॉरी, ओके 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 क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो? क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है? रेंज पूछ रहा सर, रेंज। ओके, रेंज विल बी मिनिमम इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, ठीक है? मतलब रेंज नहीं, ये पूछ रहे कि रेंज की वैल्यू सबसे कम कब होगी, किस एंगल पे होगी बेसिकली, ठीक है? आप बताओ कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, आप कैसे आप ट्राई करोगे इस तरीके से? बताओ इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सोचना चाहिए, एंड देन फॉर्मूला तो आपको पता ही है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का u स्क्वायर sin 2 थीटा / g। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। तो रेंज मिनिमम किस एंगल पे होगा, ये क्वेश्चन पूछना। क्या बोला, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन एंगल इज 45 डिग्री। ओके फाइन, तो रेंज मिनिमम कब होगा? सोच पा रहे हैं आप इसको? अब देखो सर 90 पर। कैसे? कैसे आप बताओ सर, थीटा का मान 90 रख देंगे तो 90 का मान एक होता। ओके 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 फाइन, एग्जैक्टली। देखो सिंपली हमें जो रेंज का फॉर्मूला क्या पता है, रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर u स्क्वायर sin 2 थीटा / g।
साइन टू थीटा बाई जी, ठीक है, ये हमें पता है रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, तो सिंपल हमें ये चीज पता है कि फॉर लाइक किसी एक गिवन प्रोजेक्टाइल के लिए क्या होगा, ये जो यू है मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है ये फिक्स है, जी की वैल्यू फिक्स है, वेरिएबल क्या है ये वाला जो टर्म है साइन टू थीटा का, ये वेरिएबल है। और यहाँ पे वही उसी वेरिएबल की बात भी कर रहा है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर गिवन इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम इन एंगल ऑफ फोटो। तो मैक्सिमम हमें एक सिंपल से ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसमें एक दो चीजें और मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है अगले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आए। पहली चीज रेंज मैक्सिमम का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल टर्म दैट इज साइन टू टू थीटा तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती, वन, ठीक है, और किस जब साइन 90 डिग्री होता है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं जब टू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब ये क्या होगा जो रेंज है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री पे अगर हम फेंकते हैं किसी प्रोजेक्ट टाइप पे से प्रोजेक्ट करते हैं तो जो रेंज है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब ये बोला कि मिनिमम कितना होगा, हाँ रेंज बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, लेट अस सपोज कि अगर मैं यहां से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां से एक चीज ध्यान देना, जिस पॉइंट से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट मतलब हम फेंकते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब जिस पॉइंट पे पार्टिकल लैंड करता है या फिर बोले गिरता है, ठीक है, ऐसे अगर मैं बनाऊं सिंपली, ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ लैंडिंग, मतलब कि पार्टिकल जो है ऑब्जेक्ट जो है जहां पर गिर रहा है। ठीक है, तो यहां से यहां की जो दूरी है हॉरिजॉन्टल जो दूरी है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो मैक्सिमम के लिए तो हमें समझ में आ गया कि ये एंगल जो है 45 डिग्री होनी चाहिए। अब मिनिमम पूछा है तो मिनिमम का मतलब हम क्या कर दें, इसकी जो वैल्यू साइन टू थीटा की हम क्या कर दें, जीरो कर दें। ठीक है, साइन टू टू थीटा की वैल्यू जीरो जाए तो टू थीटा कितना होना चाहिए, साइन टू थीटा इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज टू थीटा इज इक्वल टू जीरो या पाई भी हो सकता है, पाई मतलब 180 डिग्री भी हो सकता है, टू पाई भी हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा जीरो पर भी आ जाएगा, पाई बाई टू पर भी आ जाएगा, पाई बाई टू मतलब कितना 90 डिग्री। इसमें जो गिवन ऑप्शन अब हो सकता है, देखो इसमें जानते हो आप, अगर आप तो ये सिंगल करेक्ट है, अगर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होता, मतलब कि एक ही एक क्वेश्चन के दो या तीन से ज्यादा आंसर अगर सही होते, इसमें हो सकता है जीरो भी दे देता या हो सकता है कि 180 डिग्री भी दे देता, तो ये भी सही होगा और जीरो भी सही होगा और 180 डिग्री भी सही होगा। ठीक है, तो कई बार क्या जे मेंस में तो नहीं आता है, जे एडवांस में क्या होता है कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट भी आते हैं। ठीक है, तो वो सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, यहाँ पे जीरो डिग्री भी हो जाएगा, 90 डिग्री भी हो जाएगा, पाई बाई टू सॉरी टू पाई बाई टू करेंगे तो पाई आएगा, मतलब 180 डिग्री भी हो जाएगा, तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज और पूछता है इसमें कि जैसे किसी में, चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे इसी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बोलता है कि अगर लेट अस सपोज कि किसी थीटा एंगल पे इसका क्या है जो रेंज है वो आर दिया हुआ है। ठीक है, किसी थीटा एंगल पे जो रेंज है वो आर दिया हुआ है, तो क्या किसी और एंगल पे इसका रेंज आर हो सकता है, जहां पे थीटा क्या, थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो अब तक क्या किसी और वैल्यू ऑफ एंगल के लिए जो रेंज है उसकी वैल्यू आर हो सकती है क्या, आप सोचो थोड़ा। आई थिंक शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो आपको ये फॉर्मूला पता है इसी से बस आंसर आएगा, कुछ अलग नहीं करना है, जो रेंज का आपको रिलेशन पता है इसी से आपको आंसर मिलेगा, कुछ अलग नहीं। नहीं समझ में आ रहा आपको, चलो कोई बात नहीं, देखो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसको अच्छे तरीके से। अच्छा कॉन्सेप्ट, कई बार इससे बेस्ड क्वेश्चन देखो जितने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लेता है। तो हमें क्या पता है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है,
अब एक चीज ये बताओ, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल भी वैसे वैल्यू पुट करके भी हम चेक कर सकते हैं और वैसे भी चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बेसिकली क्या होगा, अगर रेंज बराबर होगा ये जो है, मतलब ये तो फिक्स होगा, मतलब अगर हम इन इन केस अगर हम फिक्स कर देते हैं तो लाइक फॉर फिक्स्ड इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी उसको हमने फिक्स कर दिया जी, तो कांस्टेंट है, तो द साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो, सेम हो, ठीक है। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बार आप इस क्वाड्रेंट को देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जो साइन थीटा की वैल्यू किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, फर्स्ट और सेकंड में। एग्जैक्टली, फर्स्ट में और सेकंड में जो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब ये देखो, अगर यहाँ पे लेट अस सपोज कि उसने क्या बोला कि लाइक फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, रेंज कुछ है, मान लो यही हम वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, रेंज इसको यूज का साइन 2 थीटा भाई जी। अब अगर हम थीटा की जगह क्या लिख दें, पाई माइन ऐसा लिख दें, सॉरी पाई नहीं, पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा लिख दें, ठीक है, थीटा नहीं, पाई बाई टू माइनस थीटा भी कर सकते हैं, पाई बाई टू माइनस थीटा कर दें, तब देखो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब जो न्यू हम रेंज लिखे आर डेस इसको मान लेते हैं, ठीक है, जो आर डेस हम मान लेते हैं, आर डेस ऐसे हम लिखते हैं, देखो आर डेस नया, ये जो इनिशियल वेलोसिटी उसको फिक्स कर दिया यू स्क्वायर बाय जी, ये फिक्स है, ठीक है, हमने चेंज क्या किया, नहीं तो ये देखो ना, साइन ऑफ ट्वाइस ये 2 है ना, मतलब हमने पहला जो एंगल था वो थीटा था, दूसरा जो एंगल मान लो कि इसको हमने थीटा 2 ले लिया, थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा मैंने लिया, ठीक है, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, आप थीटा की जगह हम क्या लिख रहे हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख रहे हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन, अब 2 को इसको अंदर लेके जाओ, अंदर मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या आपको आ जाएगा, बेसिकली ये आ जाएगा साइन पाई माइनस माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट की साइन वैल्यू है, थीटा साइन थीटा होता है सिंपली, तो ये क्या आ जाएगा बेसिकली हमारा, ये हमारा आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा, मतलब ये क्या आ गया, ये यही वैल्यू तो आ गई पिछला वाला, मतलब कि जो आर डेस है वो तो क्या आ जाएगा, आर के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब इससे एक चीज समझ में आती है कि दो एंगल होंगे 0 से 90 डिग्री के बीच में, अगर मान लो थीटा की वैल्यू जो दी हुई है, एंगल ऑफ जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर थीटा एंगल दिया हो और थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा है, तो सेम दो ऐसे एंगल होंगे जिसपे रेंज सेम होगा वो थीटा एंड सेकेंड क्या हो, मान लो कि फर्स्ट एंगल अगर मैं थीटा बोलता हूँ तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, दो एंगल के लिए जो रेंज है प्रोजेक्टाइल को क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, ये ऑलवेज वैलिड है, इसमें कोई भी मतलब कंडीशन ऑडिशन नहीं, सिंपल केस, अगर सिंपल केस प्रोजेक्टाइल का पूछता है तो उसमें आपको दो एंगल जो होंगे फर्स्ट थीटा एंड सेकेंड 90 माइनस थीटा, इन दोनों वैल्यू के लिए जो रेंज क्या होगा वो सेम आएगा, समझ में आया आपको, चलो बढ़िया आगे बढ़े। अब हम आगे अब हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके चलो आगे अब देखते हैं, शायद इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, थोड़ा सा अलग है, आप क्वेश्चन को पढ़ के एक बार ट्राई करो, मतलब आदमी
पिछले साल से फिट कर रहा था मैं, फिट करने के बाद क्या रहा हूँ। क्वेश्चन समझ पा रहा है? क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? हाईएस्ट पॉइंट पूछ रहा सर। हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे ये बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी। हाँ एग्जैक्टली, जैसे ये बोला ये कोई बॉल है, क्रिकेट बॉल है, उसको अगर 30 डिग्री से ऐसे इसको फेंक रहे हैं तो जो इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी है, मतलब द मोमेंट जब हम इसको फेंक रहे हैं और एंगल ऑफ जो प्रोजेक्शन है वो 30 डिग्री है, तो उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? के, ठीक है, कुछ वेरिएबल दे दिया। तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उस समय हमें क्या बताना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो चीज हमें बतानी है, ठीक है। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इनिशियल जो पॉइंट है वहां पे अगर के है काइनेटिक एनर्जी, तो जो टॉप पॉइंट होगा वहां पे क्या होगा, ये चीज आपको बताना, ठीक है। ऐसे मैं बना देता हूँ, समझ में आया क्वेश्चन आपको? तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे आपको, हाईएस्ट पॉइंट मतलब ये आप मान लो कि यहाँ पे आपका क्या था, इनिशियल कुछ यू से फेंका गया, इस पॉइंट पे आपको क्या बताना है, ये जो पॉइंट है जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी ये आपको बताना। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला? हेलो, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला किसी पार्टिकल का? नहीं पता आपको? आप याद आ रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ आपको, कोई इशू नहीं है सर, बता दीजिए। चलो कोई बात नहीं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब अगर किसी इंस्टेंट पे, मतलब किसी समय पे अगर हमें किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बताना है, ठीक है, तो हाफ टाइम्स उस पार्टिकल का, उस ऑब्जेक्ट का मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। मतलब हम किसी सिचुएशन पे, किसी समय पे अगर हम उसको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बोला कि इनिशियल का मतलब कि इस पॉइंट पे जब इसको हम फेंक रहे हैं पार्टिकल को, ठीक है, तो इस समय पे इसकी काइनेटिक एनर्जी के दिया हुआ है, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी है, हाफ एम एम यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और हमें ये चीज पता है कि जब पार्टिकल को फेंकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में डेरिवेशन एक किया था, उसमें क्या था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब इस वेलोसिटी को अगर हम ऐसे रिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें u cos 30 मिल जाता है, u cos 30 मिल जाता है, और ऐसे डायरेक्शन में u sin 30 मिल जाता है, ठीक है, u sin 30 मिल जाता है, ठीक है। तो बिकॉज क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये जो वेलोसिटी ये क्या रहती है पूरे प्रोसेस में, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। और अगर वर्टिकल वेलोसिटी की हम बात करें तो यहाँ इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन मतलब कि क्या हो रहा है कि अगर वर्टिकल वेलोसिटी आप देखो, मतलब ये जो कंपोनेंट है यू साइन थीटा, ठीक है, तो इनिशियली वर्टिकल इसका कंपोनेंट है यू साइन थीटा, और जो एक्सेलरेशन है वर्टिकल डायरेक्शन वो क्या है, डाउनवर्ड, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर कोई एक्सेलरेशन जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी, घटेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में होता है क्या है कि अब वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी ऐसे है और एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, और ये जो वैल्यू है जी क्या, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये पार्टिकल मूव करते करते क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, वर्टिकल वेलोसिटी जो है यहाँ पे यू साइन थीटा रहता है, घटते 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 जब इस पॉइंट पे पहुंचता है तो ये जो टॉप पॉइंट है इस पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट है ना, ये जीरो हो जाता है, ठीक है। जो वी वाई है, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये क्या होता है, इस पॉइंट पे
जीरो हो जाता है, जीरो। ठीक है, मतलब अगर आप वेक्टर फॉर्म में साइन बनाओगे तो इस तरीके से, मान लो कि यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाऊँ तो ये ऐसे बन जाएगा, वर्टिकल में ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी इस पॉइंट पे और यहाँ से कम होगा, फिर कम होते होते जब यहाँ पे टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये क्या होगा, पूरा जीरो हो जाएगा। फिर जब आगे बढ़ेगा तो, हाँ एग्जैक्टली, जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो रिटार्ड कर रहा था, मतलब कि ये जो एक्सेलरेशन जी इसकी वर्टिकल वेलोसिटी को घटाने की कोशिश कर रहा था, वही क्या करेगा, इसको अब बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ाएगा। तो उस समय कुछ इस तरीके से ये रिलेशन बन जाएगा, मतलब कि ये आपका हो जाएगा वी वाई, मतलब अब जो वर्टिकल डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो डाउनवर्ड हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल वाला वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप टॉप मोस्ट पोजिशन पे देखो तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ जो वेलोसिटी है, मतलब कि वर्टिकल वाला ये क्या हो गया, जीरो हो गया, और हॉरिजॉन्टल वाला है तो कांस्टेंट ही है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमें निकालना हो नेट वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं v net एट टॉप पॉइंट, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू द, ये क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा, यू कॉस 30। इसकी cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, नहीं 1/√2 नहीं होता, √3/2 होता है। ठीक है, राइट, तो हमें क्या पता चला गया, इस टॉप पॉइंट पे इस पार्टिकल का नेट वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो अब टॉप पॉइंट पे हम निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो सिंपली टॉप पॉइंट पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे k, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हाफ एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो वेलोसिटी ये कितना है, √3/2 यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 एम यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू, इसको के डैश मान लेते हैं, के नहीं, के डैश मान लेते हैं। ठीक है, इसको के डैश 3/4 3/4 आ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ये तो 8 हो जाएगा बेसिकली, इसको मैं 8 लिख देता हूँ। ठीक है, सही है। अब इसमें एक्चुअली आंसर आप देखो, आंसर अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहला हमारा जो क्या था, ये वाला टर्म, मतलब इनिशियल जो था, इनिशियल हमारा क्या था, ये था ना k इक्वल टू, मतलब जिस टर्म में ये लिखा हुआ, मतलब क्या बोल रहे हैं कि क्रिकेट बॉल विथ हॉरिजॉन्टल विथ काइनेटिक एनर्जी दिस k। ठीक है, तो इस k की वैल्यू कितनी है, इस k की वैल्यू है हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम यू स्क्वायर, तो ठीक है, इस k की वैल्यू क्या करो, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो। ठीक है, रिप्लेस मतलब देखो, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3/4 इंटू हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, राइट, तो ये जो हाफ एम यू स्क्वायर है, यही क्या है, के है, मतलब ये क्या आ जाएगा, 3/4 के आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको, कैसे हमने सॉल्व किया सर, ये 3/8 बराबर 3/4 गुड़े 1/2 एम यू स्क्वायर, ये कहाँ, एक बात बताओ, 3/4 गुड़े 1/2 कितना आएगा, 3/8 ही तो आएगा, 3/8 आएगा। तो उधर सर ये किस समीकरण में रखा गया है, नहीं किसी समीकरण में नहीं रखा गया है, हमने इसको बस इसको क्या किया, यहाँ पे पुट कर रिप्लेस कर दिया। चलो ठीक है, इसको देखो दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, देखो आप इसको, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक मिनट सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, पहली चीज हमें जो के की वैल्यू दी हुई थी, के इक्वल टू क्या था, हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पता था, और जो टॉप पॉइंट पे हम के डैश निकाले थे, के डैश की वैल्यू कितनी हमारी आई थी, 3/8 एम यू स्क्वायर, ये हमारा आया था ना। ठीक है, अब देखो यहाँ से एम यू स्क्वायर की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको मैं एम यू स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 × k। ठीक है, ये सही है। ठीक है, अब देखो एम यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, तो 3/8 गुड़े एम यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2k है।
फिर 2k इसे इसको काट दोगे आप, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये फाइनली क्या बचेगा 3/4k बचेगा, समझ गए आप? चलो बहुत बढ़िया, तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा 3/4, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े हम, ओके बाय। फॉर्मूले थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, बाकी तो ठीक है चीजें कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले याद रहेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, वो चीज को आप कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो आप और कोशिश करो, फिर आप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर पिछले सवाल की जैसा ये भी है ना, थोड़ा कुछ कुछ वैसा ही है, मतलब जो कॉन्सेप्ट लगेगा, जो फॉर्मूला लगेगा वो कुछ उसी तरीके का। कुछ कुछ वैसा ही है, मतलब देखो इसमें आपको मास भी नहीं दिया है, वेलोसिटी भी नहीं दिया है, तो वही आपको पहले जो इक्वेशन आपको एक बनानी पड़ेगी, तो इसमें आपको 15 डिग्री पे आपको रेंज निकालना पड़ेगा, फिर उसी को आपको रिप्लेस करना है जब आप कितना जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसको चेंज कर दोगे 90, वैसे आपको सॉल्व करना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोला है कि द रेंज ऑफ द पार्टिकल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 1.5 किलोमीटर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि रेंज कितना होगा, रेंज ऑफ द पार्टिकल जब उसको 45 डिग्री पे लॉन्च करेंगे, ठीक है, मतलब 45 डिग्री क्या होगा उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। तो ठीक है, जो पहला हमें चीज दिया हो उससे हम एक रिलेशन लिख लेते हैं, मतलब रेंज का हमें फॉर्मूला पता है, रेंज इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर साइन साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक है भाई, ठीक है। तो अब लिख लो वैल्यू, लिख लो आप। अब देखो पहले केस में क्या दिया, ये 1.5 किलोमीटर, ये किसके बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री है, ठीक है, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होता है, बहुत बढ़िया, 1/2 बाई जी हो गया ये, ठीक है। अब देखो 1/2 को अगर मैं इस साइड लेके जाऊं, ठीक है, 1/2 को मैं इस साइड अगर लेके जाऊं तो क्या 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी ये 1.5 × 2 ये बराबर हो जाएगा u स्क्वायर बाई जी के, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली 3 आ जाएगा ना, ठीक है, 3 इज इक्वल टू दिस टर्म,
ठीक है, अब ये चीज याद रखना, इसको हमें यूज करना है, यू स्क्वायर बाय जी इज इक्वल टू 3, ये आ गया हमें, ठीक है, ये चीज है, ये चीज हमें पता चल गई, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे ये चीज, इसलिए आप याद रखना। अब देखो सेकंड केस में क्या पूछा है, सेकंड केस में ये पूछा कि जब जो एंगल है उसको हम कितना करते हैं, 45 डिग्री करते हैं, ठीक है। अब एंगल को 45 डिग्री कर दोगे आप तो रेंज क्या लिख सकते हो आप, देखो रेंज और बाकी चीजें सेम है, ठीक है, क्योंकि आप बोला एंगल को चेंज कर रहा है, वेलोसिटी सेम है, जो इनिशियल वेलोसिटी यू है वो यू ही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा कितना, 45 डिग्री आ गया, बी वाला आएगा, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, तो आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये फॉर्मूला याद है, 2 sin 90 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू हमने निकाल लिया, 3 निकाल लेते हैं, आंसर क्या होगा, बी हो गया, ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप इसको, चलो बहुत बढ़िया, अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ठीक है, अच्छा ये भी प्रोजेक्टाइल का ही है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार इसको पढ़ो आप एंड कोशिश करो आप, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, यस सर, ओके आपको समझ में, हाँ हाँ हाँ, तो आपको एंगल बेसिकली बताना है, ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे, समझ में आ रहा है, पर एक्सपेंड करिए, चलो कोई बात नहीं, तो इसमें ये बोला है एक स्टोन है जिसको फेंका गया और उसका ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है, अब ये बोला कि 2 सेकंड बाद क्या हो रहा है, 2 सेकंड बाद, इस चीज को ध्यान रखना, हां नहीं टकरा नहीं रहा है, इट जस्ट क्लियर्स ए वॉल ऑफ 5 मीटर हाइट, मतलब ये बोल रहा है, मैं फिगर बना के दिखाता हूं, कुछ इस तरीके से बोल रहा है, मान लो कि ऐसा ये है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो ये बोला कि मान लो इसको ऐसे फेंके, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इसका क्या होगा, बात होगा, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट फिर से देखो, इसको ऐसे फेंका गया, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इसका बात हो गया, अब ये बोला कि जब फेंका गया उसके 2 सेकंड बाद क्या हो रहा है, ये 5 मीटर हाइट की जो एक वॉल है, दीवार है, उसको जस्ट क्रॉस कर जा रहा है, क्रॉस का मतलब कि उस दीवार से टकरा नहीं रहा, जस्ट उसको क्या कर रहा है, मतलब ऐसे देखो मैं पार कर जा रहा है, ऐसा बोल सकते, मान लो कि मैंने ऐसे यहाँ पे ये दीवार बना दी, ठीक है, तो बोला कि इस दीवार से टकरा नहीं रहा है क्या, और जस्ट इसको ये क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है, जस्ट ऐसा समझ सकते हो कि दीवार की जो मतलब इसका जो बोल सकते हो जो वर्टिकल हाइट है जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन 5, मतलब कि 5 मीटर से बहुत थोड़ा सा ही ज्यादा है, या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं कि इसका जो 2 सेकंड बाद जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है, 5 हो रहा है,
ठीक है, इस पार्टिकल का हम ये चीज बोल सकते हैं, इसमें दिया ना 2 सेकेंड लेटर, मतलब 2 सेकेंड बाद, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वाई है, वाई जो कंपोनेंट है, मतलब वाई डिस्प्लेसमेंट जो है 2 सेकेंड, 2 का मतलब 2 सेकेंड मैंने लिखा, वो कितना है, वो 5 मीटर है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप इस चीज को? आलोक आप इस चीज को समझ पा रहे हो कैसे मैं लिख रहा हूँ ये? जी सर। ठीक है, चलो बढ़िया, तो अब सिंपल है, बाकी चीजें आपको पता है ही, अब देखो मतलब एंगल बस नहीं पता है, वही हमें पता करना है। ठीक है, तो इनिशियल जो दिया हुआ है ये 25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ठीक इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में आ जाएगा 25 cos theta, और वर्टिकल डायरेक्शन क्या आ जाएगा, 25 sin theta आ जाएगा। ठीक है, 25 sin theta आ जाएगा। ठीक है, 25 sin theta। ठीक है, तो अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 25 sin theta, y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो है g। ठीक है, अब 2 सेकंड बाद आप डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, सिंपल फॉर्मूला यूज कर लो, y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर इस ये जिस पॉइंट से फे करें उसको अगर हम ओरिजिन माने तो उसके रिस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाई कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, यू साइन थीटा का मतलब कितना आ गया, ये 25 sin theta आ गया। ठीक है, ये आ गया 25 sin theta इंटू टी, टाइम कितना दिया है, 2 सेकेंड दिया है, इंटू 2 हो गया। ठीक है, अब प्लस हाफ हाफ एक्सेलरेशन का मतलब कितना जी है, और क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब हम क्या लिखेंगे, -10 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखो, हम इस तरीके से मान के कर रहे हैं, और आप इसी तरीके से मान के हमेशा करना तो सवाल आसानी से लग जाएगा। जिस पॉइंट से हम फेंकते हैं बॉल को उसको आप ओरिजिन मान लो, और हॉरिजॉन्टल को एक्स मान लो, और वर्टिकल को क्या मान लो, आप वाई मान लो। ठीक है, इस तरीके से अगर मान के करेंगे तो सवाल हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ ए हो गया इंटू टी स्क्वायर, टी का मतलब 2 सेकेंड है, 2 × 2 कितना आ जाएगी, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, आप देखो क्या आंसर आ रहा है, ट्राई करो एक बार आप। देखो मैं लिखता हूँ, तुम लिख दिखाता हूँ, अगला स्टेप चलो मैं दूसरे क्लास, ये क्या हो जाएगा, 5 = ये कितना होगा, 25 × 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 sin theta, ये हो गया 50 sin theta। ठीक है, -20 हो जाएगा ना, यहाँ पे -10 × 2 -20, अब माइनस भी इधर हम लेके आएंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5 + 20 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है सर, 1/2 आएगा, sin theta बराबर 1/2, एग्जैक्टली sin theta is equal to 1/2 आएगा, तो theta is equal to कितना आ जाएगा, 30 degree। चलो बहुत बढ़िया, ऐसा कोशिश करो आपके ऐसा जो कैलकुलेशन एरर हो रहा है वो ना हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे जो एरर हैं वो अलाउ नहीं है। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद अगर छोटा सा कैलकुलेशन एरर हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, आई थिंक प्रोजेक्टाइल का हमने काफी कुछ कर लिया। चलो ठीक है, एक मिनट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। राइट, दिस 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 दिस, ओके ओके ओके।
प्रोजेक्टेड। एक बार क्वेश्चन को पढ़ोगा, इसको डिस्कस करके फिर हम नेक्स्ट हम करते हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं। कुछ आज हम एनएलएम के भी क्वेश्चंस करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के, उसको पूरा क्विकली कवर करते हैं तो ज्यादा। सर बता दीजिए। ओके चलो आप बता देगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो क्या बोला क्वेश्चन है कि हाइट एंड डिस्टेंस अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ऑन ए सर्टेन प्लेनेट विथ नो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है, और गिवन बाय दिस एंड दिस, वेयर टी इज इन सेकंड द वेलोसिटी विद व्हिच प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इज, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी ऐसे प्लेनेट की बात कर रहा है, आप देखो अर्थ की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी नए प्लेनेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लेते थे, अब यहाँ पे जी नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक। अब वो क्या होगा वो चीज हमें निकालना पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि किसी टाइम टी पे पोजिशन दिया होगा, किसी टाइम टी पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो चीज हमें ये दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है और ये हमें x दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। तो क्या बोला, वेलोसिटी विद व्हिच प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो सिंपल है, बेसिकली क्या है, जैसे हमने कि प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पोजिशन वेक्टर, ठीक है, तो हमने क्या, हमें ऐसा कुछ दिया हुआ था, आर पोजिशन वेक्टर दिया हुआ था, तो हमने उसको एक्स और वाई फॉर्म में लिखा था ना, याद करो आप, ठीक है, इस फॉर्म में दिया होता x i कैप प्लस y j कैप, इस फॉर्म में, मतलब ऐसा कुछ दिया होता, हमने x और y लिखा था, तो ये उल्टा दिया, इसमें x और y की वैल्यू दी हुई है और हमें इस फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली इसका अगर पोजीशन वेक्टर मैं लिखूं तो ये सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, देखो x का मतलब 6t i कैप, ठीक है, और प्लस y, y का वैल्यू कितना है 8t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है, 5t स्क्वायर ये दिया हुआ, ठीक है, ये जे का ये चीज दिया हुआ। तो अब आपसे क्या पूछा, वेलोसिटी पूछा है, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट या बोल सकते हो। तो अब आपका पोजीशन वेक्टर को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
वेलोसिटी मिलेगा एग्जैक्टली। तो डिफरेंशिएट करके देखो आप क्या आ रहा है वैल्यू, डी आर बाई डी टी, यही हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा एज फंक्शन ऑफ टाइम टी। डिफरेंशिएट करो आप, देखो क्या वैल्यू आ रही है, आई माइनस टेन जे टू जे टू जे टू जे। देखो अब हमने, अब देखो सिंपल है, अब इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में हमें करना है। तो अगर सिक्स टी को टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो सिक्स कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका क्या बेसिकली सिक्स बच जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा सिक्स आई कैप। अब इसको डिफरेंशिएट करो, एट टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एट आ जाएगा माइनस फाइव टी स्क्वायर, तो फाइव टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, फाइव इंटू टू टी आ जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10t बच जाएगा बेसिकली, ठीक है, ये समझ में आया कैसा है वेलोसिटी? यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ये बोल रहा है कि वेलोसिटी विद व्हिच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, मतलब इनिशियल जैसे कि ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, तो इसको ऐसे जो फेंका गया, ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी बताना। इनिशियल का मतलब कि आपको क्या बताना, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे बात कर रहा है, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा वो चीज आपको क्या करना है बताना है। अब इसमें टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो, देखो क्या आ रहा है। अब इसमें तो टी का कुछ है ही नहीं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सिक्स आई कैप। अब इसमें टी का मल्टीप्लिकेशन है, टी की जगह जीरो पुट करो तो क्या आ जाएगा, एट जे आ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया कैसे हम लोग निकाले? चलो बहुत बढ़िया। तो अब आप तक कौन सा आंसर हो जाएगा सही? तो डी वाला नॉट ऑब्टेनेबल, अभी वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हो ना। इसमें अब देखो ये आप आया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 आई कैप प्लस 8 जे का, ये वेक्टर फॉर्म में आया। अब जो वेक्टर फॉर्म में आया, अब इसको क्या आपको मैग्नीट्यूड, क्योंकि देखो इसमें 8 दिया, 6 दिया, 10 दिया, तो बेसिकली आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, एक मिनट सर बता दो, ट्राई करो। सर 10 आएगा, 10 मीटर पर सी वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने? जी सर। चलो अब ये एक रिलेटिव का बढ़िया क्वेश्चन है, आप ट्राई करो एक बार, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, पढ़ के एक बार आप ट्राई करो। क्वेश्चन को पढ़ के एक बार कोशिश करो, मैं एक मिनट में भी आपको बताता हूँ।
आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हेलो, आप समझ पा रहे हो कैसे इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे? नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा कैसे। चलो कोई बात नहीं, देखो इसलिए रिलेटिव का बहुत अच्छा रोल है पूरे आप जो फिजिक्स है, स्पेशली जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे रिलेटिव के ये कॉन्सेप्ट भी कई जगह यूज में आता है और डायरेक्टली भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। चलो कोई नहीं, आओ पहले क्वेश्चन पढ़ते। क्या बोलता है कि एक बोट है जो इस वेलोसिटी से मूव कर रही है 3i + 4j विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो भी चीजें दिया है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया, ठीक है, जो बोट का वेलोसिटी दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि वाटर इन द रिवर इज मूविंग विथ वेलोसिटी दिस, और जो पानी है नदी का वो कुछ इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, और ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। खैर ये तो बहुत सिंपल दे दिया, इसमें आपको बहुत कुछ खास नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना, जो रिलेटिव का रिलेशन है वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो इस एक मिनट जब मैं पहले एक बार लिख देता हूँ तो आप थोड़ा इसको अच्छे से समझ पाओगे। पहले मैं लिख देता हूँ, ये देखो इस तरीके से मैं लिखता हूँ, क्या दिया पहले वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। इसको मैं वीबी से लिख लेता हूँ, वीबी मीन्स वेलोसिटी ऑफ बोट इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये मैं लिखता हूँ वीबी इज इक्वल टू 3i + 4j, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। एंड सेकेंड क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, हाँ वाटर रिवर, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -3i - -4j, ठीक है, ये आपको दिया। आपसे क्या पूछा है वेलोसिटी, और एक चीज और, अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ ना तो इसका मतलब ये कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे हम लिख सकते हैं, बट अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि अगर कुछ नहीं बोला है तो वो ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है। सेकंड, अगर रिवर ये खैर इसमें बोला भी है कि रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया, खैर अगर हम नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपसे क्या पूछा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, तो उसको लिखने का जो तरीका हम इस तरीके से लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट वी बी आर, ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इसको हाँ तो इसको हम क्या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये सब वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रिलेशन पता था आपको? चलो कोई बात नहीं, तब याद रखना कि जब हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं या कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी हो, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसको इस तरीके से हम लिखते हैं। अब ये जो वी भी लिखा दैट मींस कि ये क्या है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब सिंपल, अब आपको ये वी भी दिया हुआ है, वी आर भी दिया हुआ है, इसके वैल्यू पुट कर दो आप, और आप जो भी ऐड करना है घटाना है उसको कर दो, कर सकते हो आप इसको, हाँ ट्राई करो एक बार, आप देखो कौन सा आंसर आ रहा है। सी वाला
सी वाला, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आप एक रिलेटिव का बढ़िया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड, तो ये आप याद रखना, ठीक है। इसमें चलो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, रिलेटिव का मतलब कि हम उसके रिस्पेक्ट में उसको देख रहे हैं। रिस्पेक्ट मतलब ये है, नेक्स्ट मिनट पहले इसको देख लेते हैं। लेट अस सपोज कि ऐसे मान लो कि दो रोड है, कुछ भी आप मान लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे ये कोई गाड़ी है, कार है, कुछ भी आप मान लो, ये ए है और ये यहाँ पे एक दूसरी कार है जो बी है, ठीक है, ये बी। तो पहली चीज ये मानते, अगर बी रुका हुआ है, ठीक है, बी रुका हुआ है और ये जो है V1 रफ्तार से, V1 मीटर पर सेकंड से एक कांस्टेंट रफ्तार से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये बी जब ए को देख रहा होगा तो बी के हिसाब से ए किस रफ्तार से मूव कर रहा होगा, V1 से, ठीक है। ऑब्वियसली जब अगर ये बी रुका होगा, फर्स्ट कंडीशन में ये ले रहा हूँ कि जो बी क्या रुका हुआ मतलब रेस्ट पर है, तो बी के हिसाब से जो ए है वो V1 रफ्तार से ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि बी भी मूव कर रहा है, मतलब बी भी कुछ रफ्तार से, बी जो कार है ये कुछ V2 रफ्तार से ये भी मूव कर रहा है, ठीक है, V2 मीटर पर सेकंड से, और ये चीज दिया हुआ है कि जो V1 है वो ग्रेटर है V2 से, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है, राइट। तो अब ये आप बताओ कि बी के रिस्पेक्ट में ए की रफ्तार क्या होगी, फर्स्ट ये था जब वेलोसिटी ऑफ बी जीरो थी तो हमने क्या लिखा था, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये क्या आया था, ये जीरो आया था, ठीक है। अब सेकेंड केस क्या, सेकेंड केस में हम ये ले रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी कुछ है तो कितना है, वो हमने V2 मान लिया है, तो हमने क्या मान लिया, V2 मान लिया। तब उस सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, ये आप समझ पा रहे कैसे इसको आप करोगे, हेलो V2 माइनस V1 होगा सर, नहीं थोड़ा सा V1 माइनस V2 एग्जैक्टली। देखो ये चीज ध्यान रखनी, इसको मैंने क्या लिखा ना, वेलोसिटी ऑफ VAB अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। अब यहां पे जो पहले लिखा होगा ना उसको हम यहां पे पहले लिखेंगे, ठीक है, जो बाद में लिखा होगा उसको हम क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। और ये सब वेक्टर फॉर्म है, देखो ऐसे ही लिखना है, पर मैं लिख रहा हूँ ये सही नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म है सब कुछ, क्या आपका होगा ये सब कुछ वेक्टर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। इसको बोलने का तरीका क्या है, देखो इसको बोलने का तरीका ये बोला जाएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये भी लिख लेना, इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका या फिर जो वैल्यू फाइंड करना होता है उसका तरीका है बी ए माइनस वी बी, तो बी ए कितना, वी वन है, तो ये होगा वी वन, हो गया वी वन वेक्टर। अब ठीक है, जो मान लो आई कैप जे कैप में लिखा हो तो उस टर्म में लिख लेंगे, और वी बी कितना है, वी टू है, तो कितना आ जाएगा, वी वन माइनस वी टू हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको ऐसा पूछे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको इसकी वैल्यू कितनी होगी, V2 माइनस V1 एग्जैक्टली, तो सिंपल ऐसे लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो ये कितना आ जाए, वेलोसिटी ऑफ बी V2 है, V2 माइनस V1। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको हम ये चीज बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। रिलेटिव का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस जो है बहुत बनते हैं, काइनेमेटिक्स का एक अच्छा पोर्शन है रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव मोशन, बेसिकली इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, होता है एक्सेलरेशन भी होता है पोजीशन भी होता है, ठीक है।
आज जो हमने पढ़ा उसमें आपको कुछ अगर पूछना है तो बताओ। सब कुछ समझ में आया आपको? चलो बहुत बढ़िया। चलो आलोक, फिर आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? और आई थिंक आपके साथ नेक्स्ट कोई क्लास होने वाली है, तो नेक्स्ट क्लास में फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? जी ठीक है, ओके, थैंक यू। You are now muted. एक बार हो गया ना, ये सही नहीं है।